जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं एग्ज़ाम तक वॉरियर्स। बहुत सारे बच्चों का डिमांड आ रहा था, सर एनबी 2021 के लिए आप स्ट्रेटजी लेकर आइए और पूरा जो है पूरा कट ऑफ सिलेबस, सैलरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां से मिलेगा, स्किल टेस्ट का सिलेबस क्या है, सब एक वीडियो में प्रोवाइड करा दीजिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन मैं इसी वीडियो में देने वाला हूँ। यदि आप एनबी का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि जुलाई से फॉर्म इसका फिलअप होना स्टार्ट होगा। कब से? जुलाई से। और इसका एग्ज़ाम 20 सितंबर। अभी मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ। तो अब ये मान के चलिए कि सिर्फ 90 दिन और बचे हैं। क्लासेस कहाँ से लेनी है सब चीज़ बताऊँगा, सिलेबस क्या है, सैलरी क्या है, कट ऑफ क्या है। तो आइए सबसे पहले मैं आप सभी को लेकर चलता हूँ प्रीवियस ईयर कट ऑफ की तरफ, फिर लेकर चलता हूँ सिलेबस की तरफ। अब यहाँ पर देखिए, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ये नोटिस पब्लिश हुआ था 19 जनवरी 2021 को, और यहाँ पर लिखा हुआ सब्जेक्ट कट ऑफ स्कोर्स इन सीबीटी, सीबीटी हुआ था 31/8/2020 को और स्किल टेस्ट हुआ था 18/10/2020 को। तो देखते हैं यहाँ पर चार कैटेगरीज में वैकेंसी थी। मतलब देख सकते हैं आप सभी लोग, यहाँ पर सीनियर असिस्टेंट, जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, आराम से कट ऑफ को देख लीजिए। यूआर में 165, ओबीसी में 165, एससी में 156, एसटी में 155, पूरा का पूरा आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पर इस बार के यदि हम कट ऑफ की बात करेंगे दोस्तों, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जितना जिस भी आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, चाहे सीनियर में फिल करें, चाहे जूनियर में फिल करें, स्टेनोग्राफर की पोस्ट इस बार नहीं है, चाहे जूनियर असिस्टेंट में फॉर्म फिलअप करिए, +5 मार्क आप ऐड कर लीजिए। कितना? +5 मार्क आप ऐड कर लीजिए, तभी जाकर सिलेक्शन के चांसेस हैं, नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आप सभी के लिए। ये तो है कट ऑफ की बात। अब आते हैं आप सभी को सिलेबस का एक बार दर्शन कराते हैं और उसके बाद स्किल टेस्ट के बारे में आप सभी को लेकर चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये आप सभी के लिए जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस, एनबी सिलेबस 2021। देखिए यहाँ लिखा हुआ है नंबर रैंकिंग, फिगरेटिव क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंज। देखिए मेनली तो आपको मैं ये दिखा दे रहा हूँ, लेकिन मेनली क्या पढ़ना वो भी मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। मेनली आपको नंबर सीरीज पढ़ना है, देखिए ब्लड रिलेशन पढ़ना है मेनली, ठीक है ना। ब्लड रिलेशन हो गया, अरेंजमेंट हो गया, वेन डायग्राम हो गया, नंबर सीरीज हो गया, और उसके साथ साथ डायरेक्शन हो गया, लॉजिकल वेन डायग्राम और कोडिंग रिकॉर्डिंग, इन सबको ज़्यादा पढ़ना, और एनालॉजी को, बस इन सबको आपको ज़्यादा फोकस करना, तभी जाकर आपके अच्छे मार्क आएंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। यदि हम बात करेंगे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की, तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश का पूरा सिलेबस है, यानी कि आपको नाउन टू इंटरजेक्शन तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना। नाउन टू इंटरजेक्शन के बाद आपको क्या लेकर चलना है, सिनोनिम हो गया, एंटोनिम होगा, वोकैबुलरी हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, idiom phrases, यानी कि ये पूरा का पूरा आप सभी को इंग्लिश के लिए पढ़ना है। किसके लिए? इंग्लिश के। यदि मैं मेनली कहूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा पिछली बार सिनोनिम्स, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा पूछा गया, स्पॉट द एरर के भी क्वेश्चन आ गए थे। अब यहाँ पर देखिएगा क्वांटिटी एप्टीट्यूड अर्थात मैथ्स की बात करेंगे तो सिंपली, अब देखिए मैं बता रहा हूँ आपको ये पूरा सिलेबस, सिंप्लीफिकेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सिंपल इक्वेशन, प्रॉब्लम्स ऑन एलसीएम एंड एससीएफ, ये दिखा रहा हूँ, लेकिन अभी मेन बताऊंगा कि पढ़ना क्या आपको। यहाँ पर मेन पिछली बार बात करेंगे तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आए, मेंसुरेशन के बहुत ही कम क्वेश्चन आए थे, SICI का क्वेश्चन आया हुआ था, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे गए थे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो भी क्लासेज मैंने पिछली बार लिया था वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आ गए थे। तो बस आप इन्हीं सब, उसके साथ साथ आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस को भी लेकर चलना है, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन स्पीड लेकर चलना है, बाकी पर कम ध्यान देंगे तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वाडी के क्वेश्चन नहीं पढ़ के आएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पाइप एंड सिस्टम, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, ये सब नहीं पढ़ेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेंसुरेशन बहुत कम पूछा था, 1-2 क्वेश्चन ही पिछली बार था। अब देखते हैं आगे जनरल अवेयरनेस में, यानी कि जीके का जो सेक्शन है ये काफ़ी मजबूत होना चाहिए सिलेक्शन के लिए, यानी कि मेनली बात करेंगे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और उसके साथ स्टैटिक जीके, करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके,
करंट अफेयर के साथ साथ कौन सा स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आया हुआ था। अब देखिए अवार्ड के क्वेश्चन, करंट अफेयर, कंट्रीज, कैपिटल्स एंड करेंसीज, इस तरीके के क्वेश्चन देखिए, आर्ट यानी कि कला संस्कृति के क्वेश्चन, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, ज्योग्राफी, मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन जो मेनली आपको करना है करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके पर फोकस करना है, ठीक है ना। करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके पर फोकस करेंगे तो निश्चित रूप से आप कामयाब हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर हम देखेंगे इसकी सैलरी कितनी हो सकती है। यदि हम बात करेंगे ओवरऑल सैलरी की तो 40,000 प्लस कितना 40,000 प्लस यहाँ पर सैलरी मिलती है। और किसी किसी का जो है आप पोस्ट पढ़ेगा 50 प्लस 60 प्लस एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो सारा चीज़ आपका बढ़ने लगेगा, ठीक है ना। सैलरी के मैटर की यदि हम बात करेंगे तो अब आ रही है सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले आप मेरे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का। तो टेलीग्राम पर जो भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं मैंने प्रीवियस ईयर शेयर कर दिया है और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं शेयर कर दूंगा। प्लस यूट्यूब की जो क्लासेज आ रही हैं रेगुलर, यूट्यूब की जो क्लासेज आ रही हैं उसे आप रेगुलर लें तो ही सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बस यही छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। और यहाँ पर प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी दिखाया, सारा सी सिलेबस भी दिखाया। और यहाँ पर बात करेंगे स्किल टेस्ट जो कि छूट जा रहा था। स्किल टेस्ट में देखिए टाइपिंग करने के लिए दिया था, आपको देखकर स्क्रीन पर टाइपिंग करनी थी, उसके साथ साथ एमएस एक्सेल पर काम करना था। किस पर? एमएस एक्सेल पर काम करना था। और ग्रामर करेक्शन भी क्वेश्चन थे जो कि थोड़े से टफली क्वेश्चन थे, ग्रामर करेक्शन के भी क्वेश्चन थे। कुछ इसी तरीके का स्किल टेस्ट आया हुआ था। तो जो भी NB में फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं वो स्किल टेस्ट की तैयारी टाइपिंग के साथ साथ शुरू कर दें, यानी कि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्किल टेस्ट की भी तैयारी शुरू कर दें, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बाकी के लिए कोई भी प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। जय हिंद वंदे मातरम। साथियों आप देख रहे हैं आप सभी का फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक वॉरियर्स NBE डिटेल सिलेबस। बहुत सारे यहाँ पर स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पर, चूँकि उनको पता कि NBE के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोज़ को बना रखा है तो उन्होंने बताया कि सर इसका डिटेल सिलेबस एक बार न्यू पैटर्न के आधार पर अपलोड कर दीजिए। तो डिटेल सिलेबस जानेंगे, एग्जाम पैटर्न को जानने वाले हैं, निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, स्किल टेस्ट के बारे में जानने वाले हैं और उसके साथ साथ आपको क्लासेस के बारे में भी इस वीडियो में मैं जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और उसके साथ साथ बता दे रहे हैं फ्री का टेस्ट सीरीज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, आपको वहीं पर फ्री का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं और उसके साथ साथ आपको बता दें यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि फ्री की क्लासेज आप सभी के ये यूट्यूब पर मैं जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ। तो यहाँ देखिएगा सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन स्टेज 1 शैल बी एज फॉलो। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करेंगे तो 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, इंग्लिश कंप्रेशन 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। इस तरीके से 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क रहेंगे, आपको टाइम मिलेगा 3 घंटा अर्थात 180 मिनट में आप सभी को कवर करने हैं 200 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो